पुरानी पेंशन बहाली दी मंग नूं लै के लगातार संघर्ष कर रही जत्थेबंदी पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब वालों दाणा मंडी लुधियाना विखे सूबा पदरी वंगार रैली की गई। इस रैली तो बाद कांग्रेस सरकार नूं स्पष्ट संकेत है कि नवी पेंशन स्कीम मुलाजमान नूं मंजूर रही। इस मौके सूबा कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा, को कन्वीनर जगसीर सिंह सहोता, अजीत पाल सिंह जसोवाल ने दसिया कि पिछलिया विधानसभा चोणां दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने NPS मुलाजमान नाल यह वादा किया सी कि साडी सरकार आउण ते पुरानी पेंशन लागू करांगे। सरकार दे बणिया साढ़े 4 साल हो गए हैं, अजे तक साडी इस इक्को मंग नूं लै के सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। लोक मुद्दिया दे कांग्रेस सरकार द्वारा लारा लाउण ते जंग टपाउण दी नीतियां अपना के वोटां लैण दी फितरत नूं नंगा करन लई सानूं इह वंगार रैली लुधियाणा विखे रखणी पई। ITI सैल दे शिवप्रीत अते गौरव राठौर ने कहा कि जिन्ना चिर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुंदी असी ना थकांगे ना रुकांगे अते अपील करदे हां कि मुलाजमा साथी होर भी तिखे संघर्ष लई तैयार रहन। जो पंजाब पद्धरी सूबा वंगार रैली रखी गई है इहदा इक्को इक मकसद है पुरानी पेंशन दे हक नूं बहाल करना, क्योंकि 2004 तो बाद काले कानूनों के तहत NPS आ जो सरकार ने लागू कर दिती है जिदे विच कि रिटायर होने तो बाद मुलाजमान सिर्फ 1500 तो 3000 के पेंशन लगती है, जदों के पहले समय के जो GPF की स्कीम सी उहदे विच पेंशन का जो हक सी वो लास्ट पे का 50% पेंशन लगती सी। अज के समय के इन्ने घट पैसों के नाल रिटायरमेंट तो बाद जो कि बंदे नूं सब तो वध लोड़ हुंदी है पैसे की, यह बड़ा वड्डा सरकार ने धोखा किया है। असीं इक्को इक मंग कर रहे हां सरकार तो कि साडी पुरानी पेंशन जो बहाल की जाए। तो अज की रैली के पंजाब भर के सारे डिपार्टमेंट, चाहे वह सेहत विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, रोडवेज, हरेक तरह का डिपार्टमेंट अज इतने पहुंचा हुआ जी, तो बड़ी भारी रैली असी कर रहे हैं। हालांकि सानू दिक्कत आ रही है, बहुत सारे जाम लगे होने कारण लगभग साड़ी 100-150 बस अजे नहीं पहुँच सकी रैली के, पर असी फिर भी बहुत व्डे इकट्ठ के शामिल हो एको एक मंग कर रहे हैं कि साड़ी पुरानी पेंशन जो बहाल की जाए, क्योंकि जे NPS एड्डी वधिया कोई स्कीम सी तां क्यों नहीं है किसी भी MLA MP या मिनिस्टर ने अपने आप से लागू कर ली। सारे MLA MP ते मिनिस्टर जिन्ने भी ने उन्हां ते अज भी पुरानी पेंशन ही क्यों लागू है, सिर्फ मुलाजमान के नाल ही ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा, क्योंकि जो भी साडा हिस्सा सरकार कट रही है नवी पेंशन स्कीम के अधीन तो जिन्ना खुद पा रही है उहदे विचों कोई भी एक भी रुपया वह सिक्योर नहीं है, क्योंकि जिन्ना भी पैसा ये कलैक्ट हो रहा कोऑपरेटिव घराणियां दे विच साडी बिना सहमति तो इनवैसट किया जा रहा। लागू करता के 2004 तो बाद जी इन्हों पेंशन नहीं मिलनी, पर असी ये अपना हक लेके रहेंगे। साडा जिहड़ा हैगा सारी जिन्नियां भी यूनियन इत्थे इस संघर्ष कमेटी विच हाजिर हुई ने, असी सारियां यही मंग करदी हां कि साडी जिहड़ी पुरानी पेंशन आ बहाल की जाए, नवी पेंशन स्कीम आ जिहड़ी उह बंद की जाए, नहीं तो जेकर सरकार ये काम साडे ते नहीं लागू करदी तां साडा संघर्ष होर भी वध इस तों जिहड़ा हैगा वा तिखा रूप धारण कर सकदा। असी जिन्ना चिर सानूं ये पुरानी पेंशन साडी बहाल नहीं सरकार करदी, असी इसे तरह ही अपने धरने मुजारे करदे रहांगे, सरकार खिलाफ़ असी धरने लाउंदे रहांगे। थैंक यू। कैमरामैन सागर गागड़ के नाल नलिनी की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।